बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर फ्रेंड्स, नदीम इकबाल ऑफिशियल अकाउंट में आप सबको खुश आमदीद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिक्स टेक्निक्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए सिक्स टेक्निक हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। जी प्लीज़ सुनिएगा। सबसे पहली टेक्निक है कि फोकसिंग। ये डिमांड की जाती है टीचर से भी और स्टूडेंट से भी कि प्रॉपर अटेंशन जो है वो क्लास की तरफ होगी, फोकस होगा तो बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट हो सकेगी। पहली बात ये थी। दूसरी है जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो क्लियर बता दे एक्टिविटीज के बारे में कि कौन सी एक्टिविटीज आपने करनी है, टाइम लिमिट भी बता दे कि कितने टाइम में करनी है। अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो आपके जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वाला जो पहलू है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कंप्लीट हो सकेगा। नंबर थ्री पे है जी मॉनिटरिंग। मूव अराउंड टू चेक द प्रोग्रेस। मैं कहता हूं मॉनिटरिंग जितनी अच्छी होती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी होती है। मॉनिटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी। क्वालिटी बेटर करना चाहते हैं अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट में, तो आप उसकी मॉनिटरिंग बेटर कर दें। जितनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतनी अच्छी ही क्वालिटी बनेगी। उसके बाद है जी मॉडलिंग। डैनियल कहता है कि वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। वैल्यूज जो हैं वो कैच की जाती हैं। आपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना है। क्लासरूम तब मुनज्जम होगा, तब डिसिप्लिन होगा अगर आप खुद डिसिप्लिन है। अगर आप खुद टाइम पे आएंगे तो बच्चे भी टाइम पे आएंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो बच्चे भी कोशिश करेंगे अपनी हैंडराइटिंग अच्छी करने के लिए। अगर आपकी अपनी स्पोकन ठीक है, आपकी लैंग्वेज ठीक है, आपकी प्रोनंसिएशन ठीक है, तो एज वेल एज बच्चे भी आपसे लर्न कर रहे होंगे। तो यानी आपने खुद से रोल मॉडल बनना है बच्चे का। ये चौथे नंबर पे था मॉडलिंग। पांचवें नंबर पे है जी नॉन वर्बल क्यूइंग। जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके साइंस हैं, जो आप बॉडी लैंग्वेज से बता रहे होते हैं बच्चों को, यस यू कैन डू इट, आप इस तरह इशारे कर रहे होते हैं जो बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए बड़े पॉजिटिव मैसेज होते हैं। तो आपको ये करते रहना चाहिए। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। नंबर सिक्स पे है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। आपका जो इन्वायरमेंट है क्लासरूम का वो कंट्रोल होना चाहिए। वो कैसे कंट्रोल होगा, वो तब कंट्रोल होगा जब आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होंगी, आपने पूरे क्लासरूम को कलरफुल किया होगा, बच्चे उनसे इंस्पायर हो रहे होंगे, और एज वेल एज पिक्चर्स भी लगाई हुई होंगी। जो भी आपने एक्टिविटी करनी उसकी सारा मटीरियल आपके पास होगा, तो फिर कंट्रोल में होगा आपका इन्वायरमेंट। में रिवाइज कर देता हूं सिक्स टेक्निक फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। सबसे पहले फोकस होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्लियर की जाएं, मॉनिटरिंग बहुत बेटर है, बहुत जरूरी है मॉनिटरिंग, मॉडलिंग आप एज अ रोल मॉडल प्ले कर रहे होंगे, नॉन वर्बल क्यूइंग आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके इशारे हैं, जो आपके सिग्नल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की एक्टिविटी में। उसके बाद एंड पे है जी आपका जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये सिक्स पॉइंट होंगे तो फिर आपकी जो मैनेजमेंट है क्लास की वो बेटर होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर मजीद आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।